बट एक इंटरनेशनल सिंगर को बुलाना डेफिनेटली सिक्योरिटी हर लिहाज से बहुत बड़ा रिस्क था, मगर मैंने उठाया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में भी बताया जाए कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है जहाँ पे बाहर से आकर लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो चीज ये होगी, वो लोग जो इसमें जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिकट्स है या क्या सोच रहे हैं? जो हाँ जी बिल्कुल, हमारे टिकटिंग का सीन है जो सिर्फ QR कोड और ऑनलाइन टिकट है जो bookme.pk और टिकट वाला से अवेलेबल है। और ये शो कब और कहाँ पे होगा दोबारा से बता दीजिए? ये शो हो रहा है 9 दिसंबर को खैबानी अमीन, 7 बजे गेट बंद हो जाएंगे। सो होप टू सी यू ऑल एंड गेट योर टिकट नाउ फ्रॉम ticketwala.pk एंड bookme.pk। आप समझते हैं कि बुहेमिया एक बड़ा नाम है और पाकिस्तानी शाइकिन और जो लोग हैं वो दीवाने होकर वहाँ पे आएंगे? बेसिकली मेरी तो 8 महीने की मार्केट रिसर्च थी और मैंने देखा लोग कितने उसकी कल्ट फॉलोइंग है, उसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया और भूमिया को पाकिस्तान इन्वाइट किया। नेक्स्ट आप थोड़ा सा बता रही थी कि कुछ और करना चाह रही, थोड़ा सा बताइए रिवील हल्का सा कि क्या कौन? रिवील तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, मगर इंशाल्लाह बिग एंड बेटर, इससे बहुत बड़ा होगा और बहुत ही ज्यादा बेटर होगा। और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो मेरी नुमाइयत है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। जब पाकिस्तान में भी इतने बड़े बहुत मशहूर सिंगर हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल, लोग उन्हें वहाँ पे बुलाते हैं, बस राहत होगी उनको छोड़ के आपने बाहर से? बिकॉज यहाँ पे हर कोई उनको बुला रहा था, डिफरेंट जगह वो जा रहे थे, तो मेरे इवेंट में क्या खासियत हुई? जो मेरे इवेंट की खासियत है वो यही है कि हम इंटरनेशनल सिंगर को बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, ये पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेटर है, और हम पाकिस्तान का जो नाम वो बाहर जाकर बताएंगे कि वो पाकिस्तान आए और 1000 ऑर्गेनाइजर से बैठे उनको ये मुल्क लगा और इतनी फेमस उनको ऑडियंस मिली, तो हमारे मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच रहा है। आपने बताया कि आप साल साल बाद काम कर रहे हैं, ये इतना वक्त क्यों? बिकॉज ये काम बहुत आसान नहीं है, मेरा बेहतर मेरी मकसद ये है कि मैं लोगों को एक ऐसे एक्सपीरियंस दूँ जिसको वो भूल ना पाए। तो उसके लिए लोगों के लिए तो एक दिन है, मगर मेरे लिए पिछले 8 महीने की मेहनत है कि मैं इस सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करूँ और उस 8 महीने के बाद जाकर